लोक जनशक्ति पार्टी के बागी गुट ने पशुपति पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर दिया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन लोजपा के पूर्व सांसद सूरजभान सिंह के निजी आवास पर हुआ था। इस कार्यकारिणी में ही पशुपति पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित घोषित किया गया है। हालांकि इस पूरी कवायद में समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज के लापता रहने से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। वहीं इन सब से बेखबर होकर सूरजभान सिंह ने पशुपति पारस को पार्टी का कमान सौंपने का ऐलान किया है। इस मौके पर पशुपति अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पाए। ऐसा लगा जैसे उनके दिल में दबी वर्षों की ख्वाहिश अब जाकर पूरी हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव हेतु नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि निर्धारित थी, जिसकी समय दिन के 11 बजे पूर्वांत से 3 बजे प्रांत तक नियत था। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव नामांकन पत्र दाखिल करने की सूचना विभिन्न सूत्रों से तथा पार्टी कार्यालय के सूचना पत्र पर संबंधित सूचना प्रकाशित किया है प्रकाशित की गई है। निर्धारित तिथि एवं समय के एक नामांकन पत्र विधिवत दाखिल की गई। नामांकन पत्र दाखिल करने के उपरांत इसकी जांच की गई। नामांकन पत्र सही पाया गया परंतु इसकी नामांकन पत्र स्वीकृत किया गया। नाम वापसी की निर्धारित समय समाप्त होने के उपरांत पशुपति कुमार पारस को लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पर्वत पद पर निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाता है। वहीं इस मौके पर नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस सवालों से परेशान नजर आए। बात बात पर वो सवाल पूछने वाले पत्रकारों पर भड़कते नजर आए। कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ने के सवाल पर पशुपति कुमार पारस अचानक भड़क उठे। उन्होंने इस सवाल का बड़े अजीब तरीके से जवाब दिया। वहीं उनके बगल में बैठे सूरजभान सिंह भी पशुपति के जवाब पर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वहीं गुस्सा दिखाकर पशुपति पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के खत्म होने का ऐलान कर दिया। एक पद छोड़ेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ेंगे, ये तो सवाल। अरे यार, कैबिनेट संगठन अलग है, सरकार अलग है, इतना भी आपको पता नहीं है क्या? चलिए बहुत धन्यवाद। पशुपति कुमार पारस की छवि कभी भी फ्रंट पर आकर राजनीति करने वाले नेता की नहीं रही है। ऐसे में अभी भले ही वो शॉर्ट टर्म में अपनी राजनीति चमका लें, लेकिन लॉन्ग टर्म में चिराग के सामने उनकी हार होनी तय है। आज लोजपा कार्यालय में पशुपति कुमार पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इस मौके पर वह काफी पत्रकारों के सवाल का जवाब देने से बचते नजर आए हैं। वहीं कई जगह पे उन्होंने पत्रकारों का सही जवाब तो दिया ही नहीं। उसके बाद उनका ये कहना था कि चाचा भतीजे का जो रिश्ता था, अगर घर की लड़ाई थी तो चाचा भतीजे में बात करनी चाहिए थी। इस पर उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर भतीजा तमाशा करने लगे और उनकी बदनामी होने लगी घर की, तो ऐसी स्थिति में उनको यह जिम्मेवारी लेने पर मजबूर होना पड़ा है। अब देखना होगा कि एक तरफ केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी इनको मंत्री बनने का अवसर मिलेगा तो यह क्या करेंगे, क्या उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा देंगे या फिर मंत्री पद पर बनने के लिए जो मौका मिलेगा उसे अस्वीकार करेंगे। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट।